नमस्कार, मैं अमित एमएनएस न्यूज लाइव में आपका स्वागत करता हूँ। देखते हैं आज की खास खबर। एक आईसीजी में जब पाकिस्तानी अधिकारी ने बढ़ाया भारतीय राजनयिक की तरफ हाथ तो मिला ऐसा जवाब। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुलभूषण जाधव के मामले की सुनवाई से पहले दिन भारतीय राजनयिक ने पाकिस्तानी अधिकारी से हाथ नहीं मिलाया बल्कि उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते किया। कुलभूषण जाधव के केस की सुनवाई से पहले पाकिस्तानी अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव दीपक मित्तल के पास गए और उनसे हाथ मिलाना चाहा, लेकिन मित्तल ने उनसे हाथ नहीं मिलाया बल्कि उन्हें हाथ जोड़ के नमस्ते किया। मित्तल ने पाकिस्तान के विदेश दफ्तर के प्रवक्ता और दक्षिण एशिया एवं दक्षिण के महानिदेशक मोहम्मद फैजल को भी हाथ जोड़कर नमस्ते किया। जाधव भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी थे। उन्हें बंद कमरे में सुनवाई के बाद अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। जाधव की सजा पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।